Hi friends, welcome to my channel and trust me, I'm very very happy. I'm just happy because my look is getting better and better. My health is also under control. ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है. Hi Ina. Literally, I must say कि it's nice that you have somebody on the same page and who expresses it in a very detailed manner. मुझे बहुत अच्छा लगता है वो. Yes, मैं बोलती हूँ ना, क्या मीनिंग बनता है प्रेयर्स का. सी when I literally go for formal prayers ना, मुझे कभी कभी समझ में भी नहीं आता है कि इनके सेंटेंस फॉर्मेशंस क्या होते हैं इस प्रेयर के. सीरियसली क्या है मतलब, what exactly? I just had a touch up because बहुत ज़्यादा orange लग रहा था ना, so I used some black mehndi and it gave me good results. Initially I was a bit reluctant about it, but I said वो will it catch up and all that, लेकिन ठीक है, black mehndi is also not bad. थोड़ा सा I just touch up, but it gave me good results. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी is that what you have inside will reflect outside. तो ये क्रीम्स के पीछे रगड़ते रहना, फिर वो कौन सा एक स्टोन, जेड स्टोन लेके करना या पागलपंती करना, यू सी दीज फीमेल्स वो आर धूप में ये वाला काम करते, कितना फ्रेश होता है उनका स्किन. सुबह उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं या वॉक पे जाते हैं. ऐसी भी औरतें काफ़ी मतलब फिट एंड फाइन रहती है. आई एम नॉट सेइंग कि वो जिम जाती है, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फीमेल्स. अच्छी खासी दिखती है, पता है. तुम जितने अपने चेहरे को रगड़ोगे, फेशियल्स करोगे, फेस पैक करोगे, तुम्हारी स्किन, योर स्किन इज़ वेरी डेलिकेट, इट कांट टेक इन सो मच ऑफ प्रेशर कि तुम उसको थूकते रहते हो. ओके, वंस इन अ वाइल तुमने कुछ हर्बल या कुछ नेचुरल चीज़ की है तो दूसरी बात होती है, बट जनरली तुम इतना ज़्यादा थूकते हो तो तुम्हारी स्किन कैन नॉट हैंडल इट. ये भी हमें सोचना चाहिए. और यू नो, मेरी बिल्डिंग की एक छोटी सी बच्ची 5 years old एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हर and I call out her name very loudly and then she comes running like this like one bird and she's like, auntie, I like your bangles. मैंने बोला wow, that's so sweet. और you won't believe animals, वो cat है ना, वो मुझे gate तक छोड़ने आती है. like you know, whenever she sees me she does meow meow meow. मैं उसको खाना भी नहीं देती हूँ. it's just she's so like so cute. and another one is church compound में doggy है. You know, whenever I'm sitting, sometimes he comes next to me and he wants me to pet him. So he'll just come and stand very close to me. मतलब वो मुझे छुएगा नहीं. He wants me to pet him. तो couple of मुझे अच्छा लगता है. मेरी building की दो बिल्लियाँ, दो या तीन, and आ जाता है and he just stands next to me when I'm sitting on the bench. मूडी है ना एनिमल, जब उनका मन करे तो दे आर ऑल्सो लाइक स्मॉल चिल्ड्रन. मन करे तो आएंगे, नहीं तो नहीं, ज़बरदस्ती करेंगे तो भी भाग जाएंगे. तो ऐसे एनिमल्स को फ्री छोड़ना चाहिए, जब उनका मन करे तो खुद से आ जाते हैं. इवन दीज बर्ड्स, जब इनका मन करे, उनको लगता है कि आके खाना खाने का है, बुलाने का है, देन दिल कम एंड सेट ऑन दैट ग्रिल. वरना नहीं, जब मन करे तो. वैसे और स्पिरिचुअलिटी की बात ही, दिस कम्स इवेंचुअली. देर इज़ ये कमर्शियल स्पिरिचुअलिज्म जो होता है ना, वो बहुत ही पैक्ड फूड की तरह होता है, जंक फूड की तरह, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता है. वन साइज फिट्स ऑल ऑफ या कस्टमाइजिंग थिंग्स. ओ दैट लेडी कॉल्ड जय मदान, उसने अपने नाम पे डॉक्टर ऐड किया है एंड शी कम्स एज फैमिली गुरु. वहाँ पर भी उपाय बताती रहती है कि कौन से पेड़ के नीचे, कौन सा पेंटिंग, कौन सा मूर्ति, कौन से कलर के कपड़े.
डॉक्टर तो लगा ही दिया है, ऊपर से लेडी ऑफ फॉर्च्यून इट सीम्स. मैंने बोला जब तुम रईस होते हो ना तो ये फॉर्च्यून अपने आप ही आ जाता है. हाँ, मेरा घर अच्छा, मंद मंद खुशबू आ रही है मेरे घर बेडरूम में. वही तो मैं बोल रही हूँ, ला 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 ला. ओके, मेरा जो एक्स फैक्टर है वो इतना रॉटन लग रहा था, इतना रबिश लग रहा था. मैंने बोला कर्मों का फल. ही कुड नॉट बिलीव हिमसेल्फ दैट कि आई एम लुकिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर. मुझे पता है कि कभी कभी उसने मुझ पे बहुत विशेष टिप्पणी की है कि नहीं, और ऐसी लग रही हो, वैसी लग रही हो. एंड दिस टाइम व्हेन ही सॉ मी, उसके तो होश उड़ गए. नॉट दैट आई वॉज, यू नो, जस्ट बम्प इन टू पीपल, बिकॉज हम लोग एक ही कम्युनिटी के भी हैं और हम एक ही प्लेस में भी मतलब आसपास ही रहते हैं. नॉट दैट आई सी हिम ऑल द टाइम, वेरी ओकेजनली कहीं बम्प इन किया तो. कर्मों का फल. ना अगली लुकिंग. मैं अपने माइंड में सोच रही थी मैंने इस अगली में देखा क्या. सीरियसली मुंह पे भी कहा था अगली उसको. मैंने बोला तुम्हारे पास है क्या चीज़, यू जस्ट सो अगली. ओह माय गॉड, अगली. मैंने बोला ना इट इज़ नथिंग टू विद ओवरऑल पर्सनैलिटी भी एक होती है ना, कि तुम रुबाब में, वो रुबाब पूरा पिघल गया. वो होता है ना लाइक एक ऑरा ऑफ अ पर्सन दैट इज़ डिमिनिश टू ज़ीरो, क्योंकि तुम किसी को दुख देते हो, तुम फॉल्स प्रोमिस करते हो, तुम्हारा जो कॉन्शियस है ना वही तुम्हें ख़त्म कर देता है. तुम दुनिया के आगे कितना भी परफेक्ट, ओ आई एम अंडर कंट्रोल, ओ आई क्या, आई एम नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग, नंदलेस. तो इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि यार तुम किसी का दिल तोड़ तोड़ते हो, और वो भी इस तरह से इतने मैनिपुलेटिव वे से कि तुम नॉट गुड, नॉट फलता नहीं है इंसान. वो मैंने अपनी आँखों से भी देखा, नॉट ओनली दिस पर्सन बट काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि उन लोग ने सफलता की ऊंचाई पार कर चुके हैं. दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइव्स, एक चीज़ की कमी नहीं होगी ऐसे लोगों के पास, बट दे आर सो रॉटन, सो डैम रॉटन. मुझे ना बच्चे जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे वेरी फ्रॉम देयर हार्ट एंड वेरी स्पॉन्टेनियस. जब मैं डाउन साउथ में थी ना, दिस आई हैड बीन टू दिस लैब, मेरे रिलेटिव के लैविश, मतलब उनका जो बंगलो वगैरह था, मिडल ऑफ नोवेयर, हाँ मिडल ऑफ नोवेयर एंड ब्यूटिफुल सेटिंग. इट्स लाइक बींग इन सम काइंड ऑफ अ हिल स्टेशन और समथिंग, इन सम लश ग्रीनरी एवरीवेयर एंड ऑसम प्लेस. ये जो बच्चा था, ही वॉज दी ओनली चाइल्ड, ही मस्ट बी 7 years ओल्ड, एंड मीस से आई लाइक योर बिंदीज, आई लाइक योर इयर रिंग्स, वेयर दोज इयर रिंग्स ना आंटी. सो एंड ही वुड कम एंड टॉक टू मी एंड ही वुड से आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर अनदर 1000 years. और मुझे ये भी याद है उस बच्चे ने क्या किया था, पता है, वो किस प्लेट से खाना खा रहा था ना, तो उसने बोला आंटी यू विल ईट फ्रॉम दिस प्लेट, एंड देन ही वॉट ही टोल्ड मी दिस इज़ माई स्टूल, यू विल सिट ऑन दिस स्टूल. मैंने बोला एक बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा क्लैरिटी है कि वो क्या चाहता है लाइफ में, आजकल के आदमी लोगों को भी पता नहीं होता. इज़ लाइक यू आर सिटिंग ऑन दिस स्टूल ऑन विच आई एम सिटिंग. आई सेड बोथ द स्टूल्स आर लुकिंग सेम. ही सेइंग नो, ग्रैंड फादर्स चेयर इज़ लिटिल डैमेज्ड बट माइन इज़ ऑल राइट, यू आर सिटिंग हियर एंड यू विल ईट फ्रॉम माई प्लेट. उसने अपना खाना थोड़ा छोड़ दिया था जूठन, लाइक यू ईट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, वो पूरे एकदम हाँ
हक्के बक्के रह गए कि बच्चा बोल क्या रहा है, मतलब ये कैसे, मतलब दैट चाइल्ड हैड मेट मी फॉर द सेकेंड टाइम. या आई हैड बीन टू देयर हाउस, वो कोई फंक्शन था गोदबराई का, एंड द सेकेंड टाइम एन आई वेंट या सो सेकेंड एंड यू सो अटैच टू मी. सो द फैमिली मेम्बर्स आई थिंक स्पेशली उसकी माँ तो पूरी एकदम पागल हो गई कि कैसे ये बच्चा इतना, ये इतना ज़्यादा अटैचमेंट दिखा रहा है. सो ऐसे है, लाइक आई लाइक योर बिंदीज, ओके, आई लाइक योर इयर रिंग्स, तो ऐसे. मेंशनिंग दिस बिकॉज जब बच्चे होते हैं ना, वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचते, जो उनके दिल में आता है ना वो बोल देते हैं, बहुत इनोसेंट रहते हैं, उनके दिल में कोई मैल नहीं होता है कि क्या सोचेंगे क्या है, पट करके बोल दिया, नो यू आर ईटिंग फ्रॉम माई प्लेट. आई एम लाइक, मैंने बोला आई डोंट माइंड, तो मुझे कुछ, मुझे मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना कि कोई बच्चा ऐसे फोर्स कर रहा है. मैंने बोला ठीक है, यू गॉट वट आई एम ट्राइंग टू से, तो ये ऐसा है. और एक लड़की 8-9 years की थी, एंड आई रिमेम्बर शी वॉज वेरी, वो भी किसी, मतलब मेरे जहाँ पे मैं रह रही थी वो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैं उनके आई थिंक मम्मी पापा के कुछ उनके फंक्शन में भी गई थी अभी रैंडमली. हाँ, तो ये जो बच्ची थी ना, ये शी कम्स आती जाती रहती है, मतलब जब आती थी, मतलब इफ दे पिक हर अप शी वुड कम ओवर टू द प्लेस. तो एक बार जब वो आई, शी वॉज, शी बिकेम वेरी अटैच टू मी, वो मेरे साथ सोने लगी वगैरह एंड ऑल दैट, एंड मैंने भी उसका काफ़ी लाड़ प्यार किया. तो मैंने बोला अब मुझे क्या गिफ्ट दोगी, शी सेइंग आई विल प्रिपेयर अ कार्ड विद माई ओन हैंड्स आंटी फॉर यू. आई सेड नो ओनली दैट मच, शी सेइंग सी आई गॉट 5 गोल्ड मेडल्स, आई विल गिव यू दैट ऑल्सो. अब पूछो. अब बताओ, वेरी टैलेंटेड गर्ल, गुड इन डांसिंग सिंगिंग, वेरी क्लेवर इन हर स्टडीज ऑल्सो, वेरी गुड स्टूडेंट. तो तुम सोचो कि बच्चों को तुम दिल से जब चाहते हो विदाउट बींग फेक ना, तो बच्चे भी बहुत स्वीट रहते हैं. अच्छा, तो वो दिल से ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे कुछ अजीब अजीब चीज़ें बोलते हैं ना, ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं. तो आई हैव सीन चिल्ड्रन बींग वेरी फैसिनेटेड विद मी, कुछ ना कुछ ऐसे आके या तो मेरे गोद में बैठेंगे, या तो मेरे सर रख के बैठेंगे, या चिपक के बैठेंगे. गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, ऐसा नहीं कि ओनली बॉयज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ. बहुत बहुत ज़्यादा मुझे बच्चों से भी काफ़ी प्यार मिला है, एनिमल्स से भी बहुत प्यार मिला है. समटाइम्स आई फील एक पॉजिटिव वाइब रहती है तुम्हारे अंदर, वो दीज किड्स, दीज एनिमल्स, बर्ड्स पिक इट अप, यू नो दैट, इवन प्लांट्स कैन पिक इट अप. मैं अपने प्लांट्स को बच्चे बोलती हूँ, वो भी खुश खुश रहते हैं. मैं उनको हमेशा आसपास, कभी मॉर्निंग में छूती हूँ उनके लीव्स को कभी, या पानी देते वक्त उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ. हाँ, और मुझे हिना की बात एक अच्छी लगी, व्हेन शी सेड दैट आई स्पीक टू माय क्रिएटर वेरी नेचुरली, दैट्स द वे योर प्रेयर शुड बी, योर प्रेयर शुड बी वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस. यू वोंट बिलीव, कभी कभी मैं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती है लिटरली कुछ कुछ चीज़ें करने के लिए. मैंने बोला भगवान शक्ति दे दे, लाइक जैसे आज मुझे टचअप भी करना था, और मैंने बोला प्रेयर में भी जाने का है, तो ऐसे नहीं कि मुझे दिखावा या कुछ करना था. मैंने बोला चलो लेट मी ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, मैंने बोला करूँ कि नहीं, फिर मैंने एक शॉट में कर दिया. इट्स लुकिंग नाइस, लुकिंग गुड, राइट, बाल भी अच्छे खासे दिख रहे हैं. आई लॉस्ट वन ऑफ माई पायल्स टुडे यार, थोड़ा बुरा भी लग रहा था. दैट वॉज माई, मैंने मैंने कहा था ना अक्टूबर को आने के लिए 10 10 days है, और मेरी जो बहुत ही इम्पॉसिबल मन्नत है ना वो पूरी
होने वाली है, होगी शायद से। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% मुझे अभी तक, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर है तो ये अक्टूबर में है, डेफिनेटली होना चाहिए उसको। यू नो आई ऑल्सो यूज टू बी वेरी एरेगेंट एंड वेरी, आई वोंट से आई वॉज बिची, बट आई वॉज वेरी एरेगेंट। यू नो अगर किसी को कुछ बोलना था तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलती थी। आई रिमेम्बर अगर मुझे कोई गाय मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखाता था, एंड इफ आई एम नॉट इन, मैं बोलूँगी प्लीज़ डू नॉट बी कैरिड अवे विद माई ग्लैमरस अपियरेंस और माई ग्लैमरस पर्सनैलिटी, माई फैशन सेंस और माई बोल्ड नेचर। यू शुड लाइक मी फॉर हु आई एम। आई एम अ वेरी इरिटेटिंग अनोइंग पर्सन। यू कैन हैंडल दैट, इफ यू कैन हैंडल दैट देन इट्स वन थिंग। बट ऐसा नहीं कि शांति लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, स्लिम है, टॉल है, ब्यूटिफुल है, कमाती है, बोल्ड भी है, घर का काम भी जानती है काफ़ी ज़्यादा। अगर मुझे लड़कों ने पसंद किया है तो दे वुड बी लाइक, घरेलू टाइप भी रहती थी और बोल्ड भी रहती थी, खाना वगैरह बनाना एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड ऑफ द डे तुम कितने भी ग्लैमरस हो, आजकल क्या है ना, लुक्स के ऊपर ही लोग पागल होते जा रहे हैं, कपड़ों के ऊपर, एक्सेसरीज के ऊपर, फिर उनके डेजिग्नेशन के ऊपर, कितना कमाती है, बाकी कोई उनको मीनिंग नहीं बनता है। रिच फैमिली, रिच फैमिली, देखते कि कैसा है तुम्हारा, चल चल रहा है, जम रहा है, कुछ मीनिंग नहीं बनता है इस चीज़ों का। लिटरली मेरे टच छोड़ा, मेरे बाल रियली अच्छे लग रहे हैं। कभी कभी हमें ना जब सुकून मिलता है ना तो वो भी चुभने लगता है। सो आई वॉज जस्ट टेलिंग गॉड कि इतना, मतलब इतना ठहराव क्यों है, वाई एम आई सो स्टक। एकदम ऐसा ठहराव है जैसे पहले बहुत अफरा तफरी रहती थी व्हेन माय मॉम वाज अराउंड, लाइक ना। कभी कभी मुझे एक एक इंसिडेंट्स याद आते हैं व्हेन आई लुक बैक अबाउट हर कि इसने मेरा कैसे ध्यान दिया था। मैंने बोला ये ध्यान तो दे रही है, इसका मुझे कितनी मैं कब खून, मैंने बोला गला काट के एक प्लेट पे भी रख दूँ ना तो ये एहसान चुकता नहीं होगा, वो तो दूसरी बात है, लेकिन वो जो मुझे सुनने को मिलेगा उसके बाद 1001 बार, फिर वो जो हरकतें करेगी, फिर मैंने बोला जान बचाने का मीनिंग क्या है जब तुम मुझे रोज़ आग आग लगा के जला रही हो, मेरी चिता बना के जला रही हो, तो बचाने का क्या मतलब, ढोंग पना है ये। आई यूज टू फील दैट इन माई हेड, यू नो, नॉट ओनली फील दैट, आई हैव टोल्ड हर ऑल्सो कपल ऑफ टाइम्स कि ठीक है, यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, लेकिन उसका कोई मीनिंग भी तो होना चाहिए ना। सीरियसली या तो भगवान ने इस तरह से कोई सर्कमस्टेंसेस पैदा किए थे ताकि वो मेरे अंदर इन्वॉल्व हो जाए किसी भी तरीके से। अगर वो इन्वॉल्व होगी तो द आउटकम वुड बी डिफरेंट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दैट्स वन ऑफ द रीजन्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो तुम्हारे माइनस में जाती है वो प्लस में भी, प्लस पॉइंट्स में आगे चल के वो प्लस पॉइंट्स बन जाती है। अ लॉट ऑफ पीपल लुक एट मी एंड दे वंडर कि हाउ कम आई एम लुकिंग बेटर एंड बेटर। मैंने बोला शायद मेरी आत्मा खुश है, मुझसे ज़्यादा मेरी आत्मा सेटिस्फाइड है जो पहले नहीं थी। आई रिमेम्बर आई फेल्ट कि माई सोल वॉज डेड, यहाँ तक कि मेरी माँ भी बोल रही थी मुझे लगता है तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। मैंने बोला आत्मा नहीं, मैं ही मर चुकी हूँ, यह घर नहीं मॉर्ग है, यहाँ मेरा मुर्दा पड़ा हुआ है। या बिकॉज आई यूज टू बी लाइक लिटरली, क्योंकि मैं थक चुकी थी, यू नो, बिकॉज मैं कितना भी उसके साथ बातचीत करूँ, बताऊँ, समझाने का तो कोई मीनिंग नहीं बनता है। बट अगर मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये बोलूँगी कि तेरी ये हरकत मुझे बहुत परेशान करती है, नॉट ओनली दैट डेज अ
ट्रिगर कैस्केड, मतलब ये तो कहाँ कहाँ ये ना स्नोबॉलिंग इफेक्ट होगा तुम्हारे, ये बदतमीजी या बदसलूकी के वजह से तुम्हारी, तुम्हारा ये जो तरीका है ना प्रिटेंडिंग टू बी वेरी नाइस आउटसाइड, वेरी रीजन शी इज़ टू, लोग क्या बोलते थे, वाओ शी इज़ सो एक्टिव, शी इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग, और वो जवान बेटी तो ऐसे कुछ हेल्प नहीं करती है, और ये देखो पट पट करके खाना भी आधे घंटे में बनाया, कुकर में मतलब हर कुछ करती है, वेजिटेबल्स और सारी चीज़ों पे नज़र है, मैंने बोला द रियल चीज़ों पे कुछ हैंडल नहीं करती थी वो। सी दीज काइंड ऑफ पीपल आर मैनिपुलेटर्स, उनको सिर्फ एक पब्लिक इमेज चाहिए होती है, और घर के अंदर भी कुकर में वो दाल चावल दाल चावल दाल चावल बस वही रहता था जनरली, तो पटाख से हो जाता था वो भी, मैं उसको 1001 बार बोलती थी कि भाई तू बनाती है कुछ, उसका कुछ स्वाद बेढंगा बेस स्वाद कुछ भी ऐसे बनाएगी क्या। सो आई रिमेम्बर मैं अगर वो सांभर बनाती मैंने फीका फीका तो उसमें सब मसा कुछ कुछ डाल डाल के डाल डाल, कभी कभी तो आई उस टू तो गिव अप नहीं, मैं तो वो राइस भी कैसे कैसे मैंने मतलब कुछ भी ऐसे पच पच कुछ भी मैंने मतलब वॉट इज़ हैपनिंग। तो शायद इसके वजह से भी मतलब एक दिल खुश नहीं रहता है, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, एक खुशी नहीं रहती है। तुम अगर लंच या डिनर के लिए भी बैठते हो तो वो भी एक फॉर्मेलिटी ही रहती है, इट्स नॉट दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ लंच और अ डिनर की। हाँ मैं पहले पूछती थी व्हाट्स फॉर द मेन्यू और साइड लाइन कर दी थी, या फिर उसको बुरा ना लगे करके, ऐसा होता है बिकॉज वी डोंट वांट टू हर्ट आवर पेरेंट्स, ताकि उसको भी ऐसा नहीं हो कि मैं एवरी टाइम एकदम दूरी दूरी मैनेज करी, तो ये लंच डिनर ब्रेकफास्ट करना पड़ता था, कभी मैं एक एक चीज़ें स्किप करती थी जहाँ मुझे पॉसिबल पड़े, बट एवरी टाइम यू कैन नॉट डू दिस व्हेन यू आर लिविंग अंडर वन रूफ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उनको खुश रखने के लिए वो मन मार के कभी कभी यू हैव टू जस्ट फॉलो द, जैसे बोलते हैं ना फ्री फ्लो में चलना है, वैसे मेरा बहुत कभी कभी तो मुझे सनकता था, मैंने बोला इतना वक्त है, मैंने बोला इतना वाहियात चीज़ों में वेस्ट करने के बजाय वाई डोंट यू सिट एंड जस्ट प्लान द मेन्यू, आई एम ऑलरेडी देयर, यू टेक मी एज एन असिस्टेंट, यू यू टेल मी थिंग्स, और कुछ ये क्या चल रहा है, मतलब इवन क्लटर के इसमें भी ना, अभी क्या होता है ना कि इतना होल्ड करके रखा था 8 साल तक, मुझे हाथ डालने को भी रोना आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये इतना ज़्यादा क्लटर है कि मुझे खुद रोना है। मैंने बेडरूम को थोड़ा खाली रखा है, मैंने बोला पूरा क्लटर मैंने लिविंग रूम में डाल के रखा है, मैंने बोला एटलीस्ट ये दिखने में थोड़ा अगली दिखता है बट थोड़ा स्पेशियस है, एक ज़माने में इतना सामान इतना यूजलेसली यूजलेसली, तो इसलिए तो हम अपने पेरेंट्स को खुश रखने के लिए हम अपना मन मारते हैं, ये फैक्ट है। कभी कभी इनकी बातों का ना सर पैर ना लॉजिक, फिर इतना ड्रामा, वो चीखना चिल्लाना, मैंने बोला ये तो पर्पसली करती है, जस्ट जस्ट टू साबोटेज मी, जस्ट टू मलायन। यू नो जब इनका आखिरी वक्त आता है ना, ये बहुत डर जाते हैं क्योंकि ये बहुत पाप करते हैं ना अपने लाइफ में तो फिर वो बौखला जाते हैं कि करे तो करे क्या, काइंड ऑफ अ थिंग। देन शी इज़ टू बी जस्ट 1 वीक बिफोर शी पास्ट, शी वॉज ट्राइंग टू बी लिटिल नाइस एंड पोलाइट, मैंने बोला ये कौन सा नया ढोंग है, अब इसमें कौन सी चालबाजी है बिकॉज वो डर लगता रहता है, बिकॉज तुम इतना बुरा करते हो अपने लाइफ टाइम में, जबकि तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें करने की, तुम अपने ही हाथ पैर को काटते हो क्या, दुखाते हो दिल दुख 24 घंटे ऐसे चुभने वाली बातें या हरकतें या षड्यंत्र या पॉलिटिक्स, वो भी तुम्हारे मायके वालों के साथ मिलके या बाकी लोगों के साथ मिलके, क्या कर क्या रही है तुम बाकी लोगों के साथ, बाकी जो तुम्हारे धतूरे धतूरे का पेड़ पौधे हैं उनके साथ बैठ के, सपोलों के सपोली सपो सब साफ साप ही बोल सकते हैं, नागिने दो नागिने नागिन नागिन्स के साथ। आई नो आई शुड नॉट बी रैंटिंग एंड रेविंग ऑल दीज थिंग्स, बट आई एम गिविंग अ वेरी क्लियर पिक्चर कि ये जब इनका लास्ट टाइम आता है ना, ये बहुत पछताते हैं, ये इनके पास वक्त नहीं रहता है चीज़ों को ठीक करने का,
तो वक्त रहते रहते अपने कर्मों को अगर तुम ठीक करते हो ना, यू विल डाई पीसफुली। कल को मुझे, मैं गॉड को तभी भी बोलती थी कि मेरा वक्त जब आए ना, कि मैं मोह माया विदाउट एनी सिंगल क्वेश्चन आंसर, मैं जस्ट अपना ध्येय त्याग दूँ, मैं आई एम विलिंग टू डाई एनी मोमेंट। और मुझे वो रिग्रेट्स भी नहीं रहेंगे, मुझे मुझे कोई फीलिंग भी नहीं रहेगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। आई होप यू अंडरस्टैंड वाई एम आई डिस्कसिंग, बिकॉज ये जो रिश्ते होते हैं वो करीब के रिश्ते होते हैं, और हम नज़रअंदाज करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के इसमें। आई हैव सीन पीपल टेलिंग मी दैट यू लुक वेरी डिफरेंट, यू लुक वेरी अलाइव। अलाइव एक ने तो बोला, नाउ यू आर लुकिंग, योर स्किन इज़ लुकिंग अलाइव एंड हेल्दी एंड ब्यूटिफुल। आई वॉज लाइक सीरियसली, मतलब मेरे जो इमीडिएट माहौल था, आई डोंट नो, मेरी वीडियोज़ में वो दिखाई देता था। वीडियोज़ में मैंने एक टाइम पे तो छोड़, लेट गो ही किया था, मतलब मैं कैरी नहीं कर रही थी। आई वॉज लाइक वन डे एट अ टाइम। सो कभी दिखाई देता है, नहीं दिखा, आई डोंट नो, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में वो दिखाई देता है कि नहीं। ऑफकोर्स मैं उसको मिस करती हूँ, उसके प्रेजेंस को। फिर मैं भगवान को बोलती थी कि मिस करने का मतलब क्या है, अगर रिश्ता ही इतना अजीब सा था। नहीं, अजीब से रिश्ते थे। एक बार उस, याद है मुझे, उसने बोला था लेट्स गो टूरिंग, यूरोप जाएंगे हम लोग। यूरोप की क्या, मैंने बोला यहाँ यहाँ पे इंडिया में डाउन साउथ में टूर नहीं कर रहे, तेरे रिश्तेदारों के पास नहीं जा रहे, यूरोप जाएंगे। वाह 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 वाह। यहाँ पे कहीं जाने के लिए तुझे खटकता रहता है, फिर घूमने फिरने के लिए। यू नो, मैं आई कुड नॉट कम इन टर्म्स, जब स्टार्टिंग में जब हुआ था तो आई यूज़ टू वेयर हर क्लोथ्स। मैं जितना हो सके मैंने उसके कुर्तेज पहने। इट्स लाइक वी नेवर शेयर्ड आर क्लोथ्स, इन द सेंस आइदर कुछ नई पीस है एंड उसने दो तीन बार पहना एंड शी सेड कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तू ले ले, तो इट इज़ लाइक दैट। इट्स नॉट दैट वी वर शेयरिंग आर क्लोथ्स और कुर्ताज, या समटाइम्स शी, कभी कभी उसको मेरे दो चार चीज़ें अगर कुछ पसंद आई एंड दे आर लाइक ब्रांड न्यूश और यूज़ नहीं किया हुआ है एंड हार्डली यूज वंस और ट्वाइस, देन शील टेक इट। लाइक तो ऐसे वैसे एक्सचेंज होता था, बट वी नेवर शेयर्ड क्लोथ्स। मतलब ऐसा नहीं कि हैंड ओवर किया है उसने, या तो कुछ पुरानी चीज़ें जो उसको टाइट होती है समथिंग, और द डिज़ाइन इज़ फैबुलस एंड कुर्ता इज़ गुड एंड आई विल वेयर इट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अच्छे ही रहते थे, कुछ ऐसे एकदम मैंने बोला ये क्या है, ये कैसे डिज़ाइन है, तो सम ऑफ देम नॉट सम जो अच्छे रहते थे, शी वुड विलिंगली से, शी वुड आस्क मी कि ये पसंद है। तो हम लोग ने क्लोथ्स शेयर नहीं किए, हम लोग ने शेयर एज इन कभी वो पहने या मैं पहनूँ ऐसा नहीं। इट इज़ ऑलरेडी, इट्स ब्रांड न्यू ही रह, न्यू ही रहता था, स्पेयरिंगली यूज एक या दो बार या कभी यूज़ भी नहीं किया रहता था, एंड देन वी वुड एक्सचेंज दैट, वही होता था। ओ माय गॉड, एंड शी वॉज नेवर अ पार्लर पर्सन, उसको ज़रूरत भी नहीं थी। कभी कभी हमारे पेरेंट्स कितने वियर्ड रहते हैं ना, बहुत ही वियर्ड रहते हैं, बट क्या करें कि हमारे रिश्ते उनसे जुड़े रहते हैं, तो हम उनको ना क्रिटिसाइज कर पाते हैं, ना खुल के प्यार कर पाते हैं, और झगड़ा करते हैं तो वी कम अक्रॉस एज विलन्स। इफ़ वी स्टैंड फॉर आर राइट्स, मतलब हर तरफ से एक बंदिश रहती है, सीरियसली बदतमी, मतलब
कैसे मैं बोलूँ, बहुत वियर्ड सा सिचुएशन। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ अच्छा खासा चल रहा है, गुड फॉर यू पीपल, निभाओ ये रिश्ते। मैं दूसरे सिबलिंग्स वगैरह की बातें नहीं कर रही हूँ, जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, उनको जितना मतलब हमारा कर्तव्य होता है उतना हम लोग करें तो अच्छा है। ऐसे कि मैं ये नहीं बोलती हूँ, मैंने अपना ही एग्जांपल दिया ना, काफ़ी बार तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं करता था ना खाना खाने का ना बातें करने का, बट व्हेन यू आर लिविंग अंडर वन रूफ तुम्हें एक फॉर्मेलिटी ही सही। जैसे काफ़ी बार वो गॉसिप, मुझे एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं रहता था, बट आई हैड टू शो सम इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्व इन इट एंड से ओ यार रियली काइंड ऑफ अ थिंग। देन आई टोल्ड हर वंस कि मुझे ये वाहियात बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू काम की बात तो यू आर हाइडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, विद होल्डिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो ये कचरा इन्फॉर्मेशन मुझे मुझे तो सुनना ही नहीं है, डोंट इवन टेल मी आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। रियली ये एक स्टेज आया था व्हेन आई टोल्ड हर ऑन माई फेस, मे बी अ ईयर टू ईयर्स अगो और समथिंग, लाइक बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मुझे, मुझे सुनना ही नहीं है, मतलब काम की बात यू आर नॉट टेलिंग मी, यू आर नॉट, यू आर हाइडिंग, यू आर गेटिंग अदर पीपल इन्वॉल्व, तो फिर ये मतलब क्या बनता है तेरे साथ बैठ के पोपड़ बनने का, हाँ मैं हाँ मिलाने का। फिर मैंने बोला मैं कुछ बोलूँगी फिर तू जाके यू तेरे रिश्ते अच्छे बनते और मेरे बिगड़ जाते, तो मैं क्यों अपना। ऑफकोर्स मैं मिस कर रही हूँ उसको, मैं इसलिए नहीं मिस कर रही हूँ कि मैं इसलिए मिस कर रही हूँ कि काश हमारे बीच में कुछ अच्छे मेमोरीज होते, काश हमारे बीच में अच्छे रिलेशनशिप इस तरह के होते कि यू नो व्हेन आई लुक बैक आई वुड बी हैप्पी। अभी व्हेन एवर आई लुक बैक ना मुझे एक हॉरर शो जैसा फील होता है, ट्रॉमा बिल्ड होता है, देन आई स्टार्ट फॉलिंग सिक, आई बिकम वेरी डिप्रेस्ड व्हेन आई थिंक अबाउट कि किस तरह से एक एक चीज़ हुई थी, मैं आपके सामने आती है तो एकाध एकाध कहीं फ्यू हैंडफुल ऑफ देम मेमोरी सोच के कि नहीं थोड़े बहुत तो ठीक थे। जहाँ कहीं पर भी होगी ना उस, वो मैंने बोला वो गिल्ट उसको सताता होगा कि उसको खुद से पता है कि उसने क्या क्या किया। जैसे मेरे एक्स फैक्टर को गिल्ट सता रहा है, वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया है वो। आई यूज्ड टू बिहेव लाइक अ पीकॉक, I am so attractive, I am so cool, I am so whatever. मैं तुम लोग को इसलिए बोलती ना, रिश्ते निभाना आसान नहीं रहता है, रिश्ते आसान नहीं रहते, बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, और चाहे तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। इज़ इट वर्थ इट, मैंने बोला जो मेरे नसीब का है, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, आई एम अलाइव। अभी तो मैं खाना पीना, उस एक टाइम पे मैं खाना खाती थी, इतना खाना खाते हुए भी मेरे अंदर वो नहीं था, चमक नहीं थी, वो फुर्तीलापन नहीं था। अभी तो मैं ना के बराबर वंस अ डे, दैट्स इट, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ लिक्विड्स, I don't know why I'm just going in a different world altogether. It's like I'm floating. I say I'm just like I'm in a different world altogether. ये हो जाता है, तुम बहुत हल्के बनते हो, हल्के फुल्के कुरकुरे। और कोई टॉपिक है तो मुझे बताओ,
मैं ज़रूर बातें करूँगी उसके बारे में, डेफिनेटली बातें करूँगी। और क्या था, ये पुराने ज़माने में ना मैं वो सतयुग की बातें करती हूँ कि उस टाइम पे लोग एक दूसरे को श्राप देते रहते थे ना, मैंने बोला आज के ज़माने में श्राप देने की भी ज़रूरत नहीं, लोगों की लाइफ ही एक श्राप है। द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दे हैव इज इट्स अ कर्स, तो उनको खास कर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कैन शो यू माई बैंगल्स, द किड लाइक्ड इट, आई थिंक मैंने हमेशा पहना है ये वाले बैंगल्स, उसको बड़े पसंद आए, वो छोटे बच्ची को। बच्चों से प्यार करो यार, जो अच्छे हैं, नॉट द नास्टी वंस, नॉट द अनोइंग वंस, नॉट द पेक्सी इरिटेटिंग वंस, जो बच्चे क्यूट रहते हैं, जो क्यूट से नाइस से रहते हैं, स्वीट से रहते हैं ना, वो एनिमल्स एंड किड्स बड़े वैसे है, दिल को उनको पसंद कोई आए ना वो खुद से आएंगे, उनको ज़बरदस्ती अपने गोद पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है, ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चलो देन, आई जस्ट वाइंड अप एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नजर न लग जाए किसी की राह में, मालू रख लो खो न जा, ओ माय लव। गाने का सेशन, पहले के जो हीरो हीरोइंस थे ना कैसे थे, कितना वियर्ड था उनका, वो फिल्मों की हीरोइंस वो हीरो, मतलब 60s 70s में देखो, स्पेशली 60s में सारी लड़कियां पापा की परी थी और सारे लड़कों माँ के लाडले थे और वो उनकी माँ विधवा और ये उनका बाप विडोवर लड़की वालों का। क्या मीनिंग बनता है ऐसे। पापा की परी, इट सीम्स नॉनसेंस। ओके देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय।